Okay, so come on, students. Okay, join your session. Today, our NHPC admit card Sarthak. Till now, we are not having information about it. Let's see when the admit card will come. Dekhte hain kab aata hai iska admit card. Then we are going to. Okay, we'll start our session within few minutes. थोड़ी देर में ही अपना session start करते हैं. Okay. Tell me, students, once that are you getting my voice and video clearly? Tell me once, are you getting voice and video clearly? Okay. We'll start our session for the highway engineering today. Okay, come on, students. Tell me once in the comment box, are you getting my voice and video clearly? It is not in Madha syllabus actually. Highway engineering is not in Madha syllabus, but as it is in the syllabus of mains examination. For civil mains examination, which is going to be held on 18 December. People might be knowing about it. So in that it is there. But yes, as a subject knowledge or something, you can watch it. Or for mains examination, it is obviously there. So for them, it will be quite beneficial session. So the next thing is that I'm Saurabh Rangdale in front of you, going to start my session for the highway engineering today. Okay, the series which we are running, T20 league, for the subject of related with the mains examination. Today is our next subject, which is highway engineering. ठीक है, तो highway engineering हम आज start करने वाले हैं. चलिए, voice and video clear है. Now we are going to start our session. चलिए, तो start करते हैं. So see here, the first question which we are going to take is that it is related with the हाईवे इंजीनियरिंग एंड द क्वेश्चन इज ज्योमेट्रिक डिजाइन. बेसिकली हम डिस्कस करेंगे और हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एज पर लखनऊ रोड प्लान इज गिवन बाई, है ना. तो देखिए, आपको पता है कि हमारी कंट्री में हमने क्या किया हुआ था कि हाईवे डेवलपमेंट और प्लानिंग के लिए तीन प्लान इंट्रोड्यूस किए हुए थे बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जैकर कमेटी. एंड द प्लान वॉज नागपुर प्लान, बॉम्बे प्लान एंड लखनऊ प्लान. अब लखनऊ प्लान क्या था? लखनऊ प्लान के हिसाब से जो कि थर्ड प्लान था, विच वॉज फ्रॉम 1981 से 2001 तक का था. ओके, सो इन दैट प्लान नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेस वे, MDR, ODR, VR, विलेज रोड, इन सबको लेकर के प्रोविजन दे रखे थे. तो उस प्रोविजन के हिसाब से हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे के लिए एरिया ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाई 50, ये फॉर्मूला इन्होंने दे रखा था. ओके, सो दैट वॉज द फॉर्मूला गिवन बाई द लखनऊ प्लान. ओके, दैट वॉज द फॉर्मूला गिवन बाई द लखनऊ प्लान. कमऑन स्टूडेंट, आप लोग ज्वाइन करिए सेशन को. वी विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम थिंग्स एज पर द सिलेबस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग. ठीक है, हम सारी चीजें कवर करेंगे यहाँ पे और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक आप लोगों के कवर हो सके, ताकि आप लोग एक शॉर्ट क्विक आपका रिवीजन यहाँ पे हो पाए. और जैसे T20, आपको पता है इट इज द T20 सीरीज, सो वी विल प्ले लाइक दैट ओनली. ठीक है, वी ट्राई टू हिट मैक्सिमम सिक्सेस इन मिनिमम बॉल्स. ओके, तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नागपुर प्लान फॉर्मूला वर प्रिपेयर्ड अज्यूमिंग अ शेप ऑफ. ठीक है, तो देखिए, नागपुर रोड प्लान में ये अज्यूम किया गया था कि हमें जो शेप प्रिपेयर करना है हाईवेज वगैरह का, वो किस में होना चाहिए? स्टार एंड ग्रिड पैटर्न में होना चाहिए. ठीक है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न को लेकर के यहाँ पे जो है प्रिपरेशन नागपुर प्लान के हिसाब से की कर रखी थी. ऐसा कुछ पैटर्न्स वगैरह हम बनाते हैं, द शेप वी कैन ड्रॉ लाइक दिस. काफ़ी एक तरीके से शेप वगैरह इसका स्टार पैटर्न, ग्रिड पैटर्न हमको देखने को मिलता है लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक. As per the modified classification of road system by the third road development plan 1981 to 2001, the road in the country under primary system of a road network is consisted of. तो देखिए क्या है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो हमने थर्ड प्लान डिस्कस किया हुआ था. ठीक है, थर्ड प्लान. और थर्ड प्लान क्या था हमारा? थर्ड प्लान वॉज लखनऊ प्लान.
थर्ड 20 ईयर प्लान वॉज लखनऊ प्लान विच वॉज फ्रॉम 1981 टू 2001. और इसके हिसाब से हमने प्राइमरी रोड को तीन सिस्टम में डिवाइड किया था, प्राइमरी सिस्टम, सेकेंडरी सिस्टम और टर्शरी सिस्टम. प्राइमरी सिस्टम में हमने रखा था एक्सप्रेस वे एंड नेशनल हाईवेज को, सेकेंडरी सिस्टम में हमने रखा था मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को और स्टेट हाईवेज को, और टर्शरी सिस्टम में हमने रखा था अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड्स को रखा हुआ था. तो देखते हैं यहाँ पे एक्सप्रेस वे एंड नेशनल हाईवे, ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा एंड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी एक्सप्रेस वेज एंड नेशनल हाईवे. ओके, विजिबिलिटी वगैरह है आपको क्लियर? ओके, माडा एग्जाम में किस तरीके का पेन वगैरह यूज होगा उसको लेकर के आप एडमिट कार्ड में इंफॉर्मेशन देखिएगा. एंड वन मोर थिंग इज दैट यू गो विद द ऑल काइंड ऑफ पेन्स, है ना, ब्लू भी रखिए, ब्लैक भी रखिए अपने साथ, जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होते हैं वो रखिएगा अपने साथ, और जो पॉइंट होता है उसका 0.5 वाला पेन रखिएगा, इट विल बी हेल्प फॉर यू फॉर फिलिंग द सर्कल्स, है ना. तो 0.5 रखिएगा, 0.35 मत रखिएगा, ठीक है. तो इस हिसाब से ब्लैक ब्लू दोनों रख लीजिएगा, जो भी होगा फिर आप उस हिसाब से यूज. नेक्स्ट है, द जीरो माइलस्टोन इन इंडिया इज लोकेटेड एट. तो जीरो माइलस्टोन कहां पे लोकेटेड है? पटना, छिंदवाड़ा, सिवनी, नागपुर, ठीक है. तो ऑप्शन के हिसाब से यदि हम देखें तो नागपुर में जो है हमारा जीरो माइलस्टोन लोकेटेड है, एंड ये प्लेसेस इसके नियर बाई प्लेसेस है, पटना तो काफी दूर हो जाता है. सो जीरो माइल लोकेटेड इन नागपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वेशन फॉर द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन. देखिए प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए हमको फॉर्मूला गिवन होता है. सबसे पहली बात तो ये कि ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, आपको पता है ट्रांजिशन कर्व आर द कर्व विच आर इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड द सर्कुलर पोर्शन. और यहां पे हम इस कर्व को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. अब ट्रांजिशन कर्व जो होते हैं उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए क्राइटेरिया होता है, एक होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, और दो क्राइटेरिया बेस्ड होते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन पे, जिसमें आईआरसी ने एम्पिरिकल फॉर्मूले दे रखे हैं, और एक एज के अबाउट रोटेशन पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं. तो एक होता है हमारा सेंटर के अबाउट रोटेशन के केस में, और एक होता है हमारा कि इनर एज के अबाउट आप रोटेट कर रहे हैं. तो वहां पे हमें फॉर्मूले गिवन होते हैं. तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो ट्रांजिशन कर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए ये फॉर्मूला जो है हमें दिया जाता है 2.7 v² / r. सो आंसर विल बी सी इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस द विड्थ ऑफ कैरिज वे इज, है ना, आईआरसी. देखिए आईआरसी आपको पता है एक बॉडी है विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई द रिकमेंडेशन ऑफ जैकर कमेटी. जैकर कमेटी वॉज हेल्ड इन 1927 एंड विद द रिकमेंडेशन ऑफ जैकर कमेटी इन 1934 आईआरसी वॉज एस्टेब्लिश्ड. और आईआरसी के एस्टेब्लिशमेंट के बाद जितने भी प्रोविजन होते हैं हाईवे से रिलेटेड, ज्योमेट्रिक डिजाइन, मटेरियल से रिलेटेड, ऑल आर गिवन बाई द आईआरसी ओनली. और आईआरसी ने ये कहा 3.75 सिंगल लेन के लिए होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है. 7 मीटर फॉर टू लेन्स विदाउट रेज्ड कर्व्स, बिल्कुल सही बात है ये. 7.5 मीटर फॉर टू लेन्स विद रेज्ड कर्व, बिल्कुल सही है. तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी. ओके, मेंस एग्जाम के पहले आप जरूर देखिएगा सारे क्वेश्चन, एक क्विक रिविजन आपका यहाँ पे हो जाएगा. इसी तरीके के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं. एज पर आईआरसी इट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट रोड्स इन रूरल एरियाज शुड बी डिजाइंड फॉर, है ना. अब देखिए आईआरसी के रिकमेंडेशन के हिसाब से किस तरीके की रोड हमें रूरल एरियाज में डिजाइन करनी होती है फॉर द डिजाइन लाइफ. तो इसका आंसर होता है, आप याद रखिएगा, 10 to 15 years का रखा जाता है. अब देखिए रोड्स की डिजाइन टाइप ऑफ पेमेंट पे भी डिपेंड कर रही होती है ना. टाइप ऑफ पेमेंट किस तरीके का, इस पे भी रोड की डिजाइन डिपेंड करेगी. मान लीजिए टाइप ऑफ पेमेंट है आपका फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल के हिसाब से यदि हम देखें तो फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है हमारा उसकी डिजाइन लाइफ 15 ईयर्स होती है. बट ये पुराने कोड ने रिकमेंडेशन दिया हुआ था, और न्यू कोड के हिसाब से उसको भी 30 ईयर्स हम अचीव कर सकते हैं. ओके, और रिजिड पेमेंट की डिजाइन तो वैसे भी 30 ईयर्स के लिए होती है, ठीक है. तो बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने इस क्वेश्चन का भी, 10 टू 15 ईयर्स इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक, अ लाइन ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड बिटवीन विच एंड द रोड नो बिल्डिंग एक्टिविटी इज परमिटेड इज कॉल्ड एज. अब देखिए क्या होता है कि किसी भी रोड का जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, तो वहां पर इस तरीके से हम एलिमेंट उसका स्टडी कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपका कैरिज वे है, शोल्डर है, मीडियन, सेपरेटर, ये सारी चीज़ें होती हैं. फॉर्मेशन विथ होती है, बिल्डिंग लाइन होती है, कंट्रोल लाइन होती है, ये सारी लाइंस हम प्रोवाइड करते हैं, और इट इज़ ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द रोड. अब क्या होता है कि बिल्डिंग लाइन हम इसीलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं बिकॉज वी वॉन्ट दैट कि इसके बाद
ही कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इसके अंडर परमिशन परमिट नहीं करते हैं, और फ्यूचर एक्सपांशन पर्पस के लिए भी हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा बिल्डिंग लाइन, है ना। तो बिल्डिंग लाइन जो है वो हम इस पर्पस के लिए रखते हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही आंसर, यू ऑल हैव टोल्ड इन द कमेंट बॉक्स, बिल्डिंग लाइन विल बी आंसर फॉर इट। नेक्स्ट, इफ एन इज एलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड्स, ठीक है, एन इज एलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड, मतलब एन वन माइनस एन टू, एस इज द मिनिमम साइड डिस्टेंस इन मीटर, द लेंथ ऑफ अ समिट कर्व इज, तो लेंथ ऑफ द समिट कर्व क्या होती है, देखिए लेंथ ऑफ द समिट कर्व के लिए आपके पास फॉर्मूला है, दैट इज एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ रूट ओवर एच वन प्लस रूट ओवर एच टू टू द होल स्क्वायर, ओके। ये फॉर्मूला वैलिड होता है व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन द साइड डिस्टेंस, ओके। और एक और हम यूज करते हैं, दैट इज ट्वाइस एस माइनस रूट ओवर एच वन प्लस रूट ओवर एच टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। लेंथ ऑफ द कर्व लेस देन एस के केस में फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो इन दिस केस वॉट हैपन्स कि एच वन और एच टू की वैल्यू पुट कर देंगे हम साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया के हिसाब से, विच सेज दैट एच वन इज इक्वल टू 1.2 मीटर एंड एच टू इज इक्वल टू 0.15 मीटर, तो यहाँ से एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4 आ जाता है, तो बी हो जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल सही बताया आपने कमेंट बॉक्स में, यू आर हैविंग गुड प्रिपरेशन फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व देखिए क्लोथाइड भी होता है, लेमिनस्केट भी होता है, क्यूबिक पैराबोला होता है, लेकिन पैराबोला नहीं होता है। ट्रांजिशन कर्व के लिए शेप जो सजेस्टेड है लेमिनस्केट इस तरीके से, क्यूबिक पैराबोला कुछ इस तरीके से आपका, और स्पाइरल्स कर्व इस तरीके से होते हैं, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रफनेस इंडेक्स इज, बिल्कुल सही आंसर आपने प्रीवियस क्वेश्चन का भी बताया हुआ था। तो देखिए रफनेस इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर व्हाट, रफनेस इंडेक्स, है ना। रफनेस इंडेक्स कौन से इंस्ट्रूमेंट से यूज करते हैं, रफनेस मतलब अनइवननेस इंडेक्स की यहाँ पे बात की जा रही है। सो दैट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बम्प इंडिकेटर, है ना। तो बम्प इंटीग्रेटर और बम्प इंडिकेटर बोथ कैन बी आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आर इज द रेडियस ऑफ कर्व एंड एल इज लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड, द शिफ्ट ऑफ द कर्व इज, अब देखिए शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व हमारे पास एक कंसेप्ट होता है। व्हाई वी आर यूजिंग दैट शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व कंसेप्ट, वी मीन दैट व्हेन देयर इज अ ट्रांजिशन कर्व मीटिंग विद द सर्कुलर कर्व, देन देयर मीटिंग शुड बी टेंजेंशियल, ओके। उनकी मीटिंग टेंजेंशियल होना चाहिए, इफ द मीटिंग इज नॉट टेंजेंशियल देन इट विल बी शिफ्टेड, सर्कुलर कर्व विल बी शिफ्टेड, तो दैट इज नोन एज द शिफ्ट ऑफ द कर्व। सो इट इज गिवन बाई L square by 24 into R, बिल्कुल सही आंसर आपने इसका बताया, L square by 24 R। Next question is, while aligning a hill road with a ruling gradient of 6%, a horizontal curve of radius 60 meter is encountered. Find the compensated gradient at the curve. देखिए compensated gradient find करना है, 6% gradient यहाँ पे provided है, तो simple सी बात है, grade compensation is equals to you all know 75 by R, और GC maximum is equals to क्या होता है 30 plus R by R, okay? और ये सारी values हमें percentage में लेनी होती है, तो it is GC maximum, ये हमारा GC होता है, ठीक है। सो 75 by R, 75 by 60 आप कर दो, तो यहाँ से आपको आई थिंक आंसर मिल जाएगा, दैट इज 1.25%, और इसका यदि हम GC निकालेंगे सो इट विल बी व्हाट 30 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 60, सो इट विल बी 90 by 60, है ना। 90 by 60 आप जब करेंगे सो इट विल बी 1.5, है ना। तो 1.5 होगा, लेकिन मैक्सिमम परमिटेड कितना है 1.25, सो 6 माइनस 1.25 आप यहां से कर देंगे, सो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 4.75, सो 4.75 आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। 1.5 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम ही आपको 1.25 यहां पे परमिटेड है, ओके। सो दैट विल बी योर आंसर, बिल्कुल करेक्ट करण आपने बताया, वैभव आपने भी बिल्कुल सही आंसर बताया। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द लेग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द रोड व्हीकल इज कॉल्ड, अब देखिए लेग डिस्टेंस क्या होती है, लेग डिस्टेंस होती है जब हम SSD ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो SSD क्या होता है, SSD इज इक्वल्स टू लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो लेग डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे और ब्रेकिंग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो SSD इन दोनों का समेशन होता है। अब देखिए लेग डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं सो इट इज व्हाट, परसेप्शन टाइम, इमोशन टाइम, वॉल्यूशन टाइम, इन सब का समेशन, और एक और यहाँ पे जो इन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ है दैट इज परसेप्शन इंटलेक्शन, है ना। ये तीनों को यदि चारों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो यहां से हमारी आपको पता चलता है देयर इज अ PIEV थ्योरी, है ना। सो
टोटल रिएक्शन टाइम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, टोटल रिएक्शन टाइम यदि हम देखेंगे तो वही हमारा क्या होगा, लेग डिस्टेंस, क्योंकि रिएक्शन टाइम में भी आप उस लेग डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे होते हैं. सो आंसर विल बी डी इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एल इज द लेंथ ऑफ मूविंग व्हीकल एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द एक्स्ट्रा मैकेनिकल वाइडनिंग टू बी प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर अ सिंगल लेन इज. अब देखिए सिंगल लेन की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल वाइडनिंग, मैकेनिकल वाइडनिंग क्या होती है, एन एल स्क्वायर बाई टू आर, ठीक है. और हमारे लिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज इक्वल टू एन एल स्क्वायर बाई टू आर प्लस वी अपॉन 2.64 इंटू रूट ओवर आर. ये होती है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग. एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज द समेशन ऑफ मैकेनिकल वाइडनिंग एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग. सो द फॉर्मूला विच आई एम टेलिंग यू हियर, वी इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, आर इज द रेडियस इन मीटर, ठीक है. और भी 9.64 समथिंग होता होगा. सो दैट इज वहां पे वेलोसिटी आपकी अलग यूनिट में पुट करनी है. ओके, सो एन एल स्क्वायर बाई टू आर वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेन्स होता है, एल आपका व्हील बेस होता है, आर आपकी रेडियस ऑफ द कर्व होती है. तो यहां से यदि हम देखेंगे सो इट इज एन एल स्क्वायर बाई टू आर. सो एन की वैल्यू यहां पे इन्होंने 1 पुट की हुई है तो एल स्क्वायर बाई टू आर. तो बी ऑप्शन हमारा यहां से करेक्ट हो जाता है. बिल्कुल सही आंसर बताया आपने इसका भी. करेक्ट आंसर करण, राइट इट इज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू आईआरसी मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इन रोलिंग टेरेन इन प्लेन्स इज लिमिटेड टू. अब देखिए अकॉर्डिंग टू आईआरसी रिकमेंडेशन मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 7% प्रोवाइड किया जाता है, 4% प्रोवाइड किया जाता है अर्बन एरियाज में, 4% का मैक्सिमम प्रोविजन है, 7% का प्रोविजन नेशनल हाईवेज के लिए है और 10% जो है हिली रीजंस में 10% का प्रोविजन है, ठीक है. बट इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर होगा 7%. बिल्कुल सही, और यू ऑल आर टेलिंग वेरी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनवर्ड टिल्ट गिवन टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड सर्फेस थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व इज कॉल्ड. देखिए इनवर्ड इनवर्ड टिल्ट, ठीक है, इनवर्ड टिल्ट मतलब रोड आपकी इस तरीके से और ये कह रहा है इनवर्ड आपने टिल्टिंग दे रखी है ऐसा कुछ, ठीक है. तो ये कौन सा एलिमेंट होता है आप सभी को पता है. बिल्कुल सही, सुपर एलिवेशन होता है. यू हैव टेल्ड वेरी राइट इन द कमेंट बॉक्स, सुपर एलिवेशन ही होता है ये. तो सुपर एलिवेशन, कांट या बैंकिंग, इन तीनों नाम से इसको जाना जाता है. तो आंसर विल बी डी इन दिस केस. ओके, डी इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन इज इक्वल टू. तो देखिए क्या है कि किसी भी रोड में हम जब ओएसडी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो हम एक ओवरटेकिंग जोन बना देते हैं वहां पे, और ओवरटेकिंग जोन जब हम बना देते हैं तो इसकी जो लेंथ होती है वो हम रखते हैं थ्राइस ऑफ ओएसडी से लेकर के 5 times ऑफ ओएसडी तक, ठीक है. ये लेंथ है हमें यहाँ पे रखनी होती है. बट आपको यहाँ पे पॉइंट ये याद रखना है कि आईआरसी हमसे ये कहता है कि 5 times ओएसडी डिजायरेबल मिनिमम है, इतना तो प्रोवाइड करिए ही करिए, ठीक है. IRC says that 5 times OSD is the desirable minimum. You should provide that much. But when we do not have the provision, then IRC says that okay, minimum you can provide thrice of OSD. Okay, but desirable minimum क्या होता है आपका? Desirable minimum होता है 5 times of the OSD. तो इस point को याद रखिएगा. IRC की lines हैं यहाँ पे recommendation की, and they have written things like this. Okay. Now, next question is. The expression for the length of transition curve in meters. ठीक है, देखिए length of the transition curve के लिए मैंने आपको बताया था criteria होता है एक rate of change of centrifugal acceleration. तो rate of change of centrifugal acceleration के हिसाब से VQ by CR हमारे पास formula होता है. तो length of transition curve is equals to VQ by CR. So it will be answer. Now, next question is the design value of stopping side distance for a two-way टू लेन ट्रैफिक वुड बी. अब देखिए एसएसडी हमें बताना है और रोड हमारी क्या है, टू लेन टू वे. टू लेन टू वे का मतलब ये होता है, ये एक रोड है, यहाँ पे ये लेन बना रखी है हमने, एक मोशन इस डायरेक्शन में, दूसरा मोशन इस डायरेक्शन में. तो ये आपकी टू लेन टू वे रोड हो जाएगी. और इसके केस में आपको बताना है कि एसएसडी क्या होता है. तो एसएसडी क्या होता है बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, आंसर बताइए इसका. एसएसडी क्या होगा इसके केस में, ये होगा आंसर या ये होगा बताइए, बी होगा या सी होगा, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. व्हाट विल बी आंसर इन दिस केस, देखिए जब हम बात करते हैं टू वे टू लेन ट्रैफिक की तो वहां पे हमारा जो एसएसडी है वो इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है. जब सिंगल लेन रोड की बात करते हैं तो सिंगल लेन रोड के केस में ये होता है दैट इज
twice of SSG. Because in single lane road, when you are traveling, you have to bother about what is happening into the lane in front of you or the opposite lane also. What is happening? If a vehicle is coming from that particular direction, then you have to bother about that also. So that's what our consideration is. That's why we say equal to stopping side distance in two-way two-lane road and single lane, it gets twice. ठीक है, तो इसको याद रखिएगा. Next is full amount of extra width of pavement on the curve is provided at. अब देखिए, full amount of extra width of pavement on the curve is provided. देखिए एक चीज याद रखिएगा, straight line से आप क्या करते हैं, सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे होता है ट्रांजिशन कर्व, जो कि आपकी क्या है, चेंज वाली स्टेज है, है ना. स्ट्रेट लाइन हो गई, यहाँ कहीं पे सर्कुलर कर्व हो गया. अब होता क्या है कि ये होता है बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजिशन कर्व और ये होता है एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व. इट इज द बिगिनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व और यहाँ पर आपको क्या करना है कि इट इज द एंड पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन. तो जैसे ही आपका ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट होता है, आपको कैम्बर को सुपर एलिवेशन में कन्वर्ट करना शुरू कर देना चाहिए, एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए. तो यहाँ पे लिखा है कि फुल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा विथ ऑफ पेमेंट ऑन द कर्व इज प्रोवाइडेड एट. तो बिगिनिंग ऑफ ट्रांजिशन कर्व पे फुल करोगे क्या, नहीं करोगे. सेंटर ऑफ द ट्रांजिशन कर्व पे करोगे क्या, नहीं करोगे. बिगिनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व पे करोगे क्या. तो देखो, इस ऑप्शन के बारे में यदि आप सोचोगे थोड़ा भी, देन यू विल इजीली गेट द पॉइंट दैट कि बिगिनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व में फुल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइड हो जाना चाहिए. ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कुलर कर्व में नहीं होता है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है. ट्रांजिशन कर्व की जब बात की जा रही, ट्रांजिशन कर्व यदि प्रोवाइड नहीं होता है तो उसके केस में ये प्रोविजन है कि स्ट्रेट लाइन में 2/3 प्रोवाइड कर दो और रिमेनिंग 1/3 जो होता है वो सर्कुलर पोर्शन में कर दो व्हेन देयर इज नॉट स्पेस टू प्रोवाइड द ट्रांजिशन कर्व. वहां पर आपको ये चीज याद रखनी है. ओके, बिल्कुल सही आंसर बताया आप लोगों ने. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. सुपर एलिवेशन इज यूज टू काउंटर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. देखिए, सुपर एलिवेशन इज यूज टू काउंटर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. ओवरटर्निंग ऑफ द व्हीकल काउंटर एक्ट करेगा, करेगा. द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल करेगा. स्किड को भी कर सकता है, है ना. एक ऑप्शन क्वेश्चन के ऑप्शन की तरह यदि हम इसे देखें, सो वी कैन से दैट यस, इट कैन कंट्रोल द स्किडिंग, बट एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल का इससे कोई रिलेशन नहीं है. यदि आप इसके फॉर्मूले पे भी गौर करते हैं तो वी स्क्वायर बाई जी आर इज इक्वल टू ई प्लस म्यू इट इज. सो इन दिस केस इट इज नॉट कंट्रोलिंग द एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल. नाउ आई विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज डिपेंड अपॉन. तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व किस बात पर डिपेंड करती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पे बिल्कुल करती है. रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन पे बिल्कुल करती है. रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पे भी बिल्कुल करती है. ए और बी दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं. बोथ रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ये ऑप्शन ज्यादा करेक्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज कंटेनिंग बोथ द ऑप्शंस. सो एज पर दी गिवन ऑप्शंस हियर, सी विल बी करेक्ट आंसर. ऑल्दो यदि कोई कभी किसी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने लग जाए, जैसे गेट के एग्जाम में होता है ना, गेट में है MSQ के बारे में बात है, तो वहां पे यदि आप आंसर लगाओगे तो ABC तीनों आंसर हो जाएंगे, बट हमारा तो सिंगल चॉइस एग्जाम है तो सी आपका आंसर होगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ PCU फॉर अ पैसेंजर कार एज पर IRC. तो ये कितना होता है PCU क्या होता है? PCU means passenger car unit. Passenger car unit एक तरीके का पैरामीटर हम यूज करते हैं. इसका मीनिंग ये होता है कि हम यहाँ पे कार के रिस्पेक्ट में सारी चीजों को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, जज करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू कार ओनली. ठीक है, यदि हमने आपसे कहा कि साइकिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताओ, आप अलग से टू व्हीलर के बारे में इंफॉर्मेशन बताइए, तो देयर विल बी ह्यूज डेटा. इफ आई एम गिविंग यू डेटा इन द टर्म ऑफ PCU देन इट विल बी क्वाइट एक्यूरेट टू जज द पर्टिकुलर पैरामीटर. तो यहाँ पे क्या है, PCU जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है. इस बात को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. PCU डिपेंड्स अपॉन, इसका आंसर तो सभी को पता होगा, 1 होता है. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन PCU आपका दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. एक होता है स्पीड ऑफ द व्हीकल और एक होता है डायमेंशंस ऑफ द व्हीकल. ठीक है, जैसे अभी जो न्यू कोड में PCU की वैल्यूज जो है वो रिवाइज हुई है. ठीक है, तो पुराने कोड में अलग तरीके से वैल्यू दे रखी थी. इन न्यू कोड जो रिवीजन है अभी, उसमें PCU की वैल्यू साइकिल के लिए 0.6 गिवन है और मोटरसाइकिल्स के लिए या टू व्हीलर हमारी जो बाइक्स होती हैं उनके लिए 0.5 होता है. ठीक है, तो ये कुछ रिवीजन है, इनको याद रखिएगा, नया प्रोविजन को फॉलो करिएगा. ओके, सो ये चीज याद रखिए कि ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, स्पीड ऑफ द व्हीकल एज वेल एज डायमेंशंस पे ये डिपेंड करेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर इंक्रीजेज विथ, तो देखिए रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर कैसे इंक्रीज होगा, ड्राइवर का रिएक्शन टाइम तब इंक्रीज होगा जब व्हीकल की स्पीड में डिक्रीमेंट होगा. तो सिंपल इट इज, रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन द व्हीकल स्पीड. सो बी विल बी आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट इज, बिल्कुल सही बताया आपने कमेंट बॉक्स में भी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द शोल्डर प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एज शुड बी. अब देखिए शोल्डर प्रोवाइडेड ऑन अलोंग द रोड एज शुड बी, ऑप्शंस देखते हैं, रफर देन द ट्रैफिक लेन्स, स्मूदर देन द स्मूदर तो नहीं होते हैं, रफ जरूर हो जाते हैं, ठीक है, ऑफ सेम कलर्स, कलर वगैरह का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी कलर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकता है, एक सा भी हो सकता है, ऑफ वेरी लो लोड बियरिंग कैपेसिटी, ऐसा नहीं है, उसे भी आप प्रॉपर बनाएंगे, क्योंकि शोल्डर भी एक इमरजेंसी लेन की तरह बिहेव करता है. एट द सेम टाइम शोल्डर इज वर्किंग एज समटाइम्स फॉर द व्हीकल टू ओवरटेकिंग ऑपरेशन वगैरह के केस में भी कभी ये यूज में आ जाता है. तो रफर देन ट्रैफिक लेन एज पर द ऑप्शन गिवन हियर उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है. ऑप्शन के हिसाब से देखना है क्या चीजें पूछी जा रही हैं, ए विल बी आंसर इन दिस केस. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज ऑलवेज, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज ऑलवेज क्या होती है, लेस देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इक्वल टू ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, मोर देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इक्वल टू लैग डिस्टेंस. आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, देन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. देखिए एक चीज रिलेशन हमेशा याद रखिएगा, एस एस डी इज लेस देन आई एस डी इज लेस देन द ओ एस डी, ठीक है, ये एक रिलेशनशिप होती है. तो इस रिलेशनशिप को यदि आप देखोगे तो जैसा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं, आंसर ए बिल्कुल लेस देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ही होता है इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने सभी ने. चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द ट्रांजिशन कर्व यूज इन द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ अ हाईवे एज पर आईआरसी इज, द ट्रांजिशन कर्व यूज इन द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन इज. देखिए आईआरसी ये कहता है कि आप स्पायरल यूज करिए, ठीक है, या फिर आइडियल कर्व जो आईआरसी ने बता रखा है दैट इज नथिंग बट द स्पायरल बता रखा है, ठीक है. बाकी लेमनस्केट क्यूबिक पैराबोला भी अ काइंड ऑफ कर्व हो सकते हैं, बट आईआरसी ने जो आइडियल बता रखा है वो स्पायरल बता रखा है. बाकी फील्ड में हम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं जनरली स्पायरल को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, समिट करके केस में आइडियल होता है आपका सर्कल, प्रोवाइड हम करते हैं क्यूबिक प्रोवाइड हम करते हैं पैराबोला, समिट कर्व आइडियल सर्किल प्रोवाइडेड पैराबोला, ठीक है, और इसके केस में आपका आइडियल होता है स्पायरल, बट जनरली क्यूबिक पैराबोला वगैरह फील्ड में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है. आईआरसी ने इसलिए रिकमेंड किया हुआ है क्योंकि इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस जो है वो बेटर होता है, दैट्स व्हाई दिस इज सजेस्टेड बाय आईआरसी, बट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करती है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है आपके रिएक्शन टाइम पे बिल्कुल डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ द व्हीकल पे बिल्कुल डिपेंड करती है, इफिशियंसी ऑफ द ब्रेक्स पे बिल्कुल डिपेंड करेगी, क्योंकि जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द इफिशियंसी ऑफ द ब्रेक्स. सो ऑल ऑफ द ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाता है, तो डी हो जाएगा इसके केस में आंसर. ओके सो डी विल बी आंसर इन दिस केस. Now, next is the super elevation on a track remains constant along. तो देखिए super elevation on a track remains constant along the circular curve, the parabolic curve, the transition curve, the reverse curve. तो इसका आंसर होता है circular curve. क्योंकि क्या है, जैसे ही आपने straight line provide कर रखी है उसके बाद start हो जाता है आपका यहाँ पर transition length और यहाँ पे होता है circular curve और ये होती है आपकी straight line. Okay, तो क्या होगा, हम हमेशा ये चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ से सर्कुलर कर्व बिगिन करे आप फुल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन अटेन कर लें, जो कि मान लीजिए कभी 7% है, फुल अमाउंट यहाँ पे अटेन हो जाना चाहिए. ओके सो द सुपर एलिवेशन ऑफ ट्रैक रिमेन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कहाँ तक हुआ, जहाँ से आपका टीसी से टीसी, है ना, टीसी का एंड और टीसी की बिगिनिंग, और वी कैन से सर्कुलर कर्व की बिगिनिंग टू सर्कुलर कर्व का एंड, यहाँ पे फुल अमाउंट होना चाहिए, फिर धीरे धीरे उसको कैम्बर में कन्वर्ट करना हम शुरू कर देते हैं. सो आंसर इज द सर्कुलर कर्व. नेक्स्ट इज द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग. देखिए अब मटेरियल्स पे आ गए हम, अभी तक हमने ज्योमेट्रिक डिजाइन डिस्कस किया हुआ था. एक टॉपिक है हमारा विच इज ट्रैफिक इंजीनियरिंग. ट्रैफिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चन हम हमारे एक सेशन होगा अभी हमारा ब्रिज टनल का हम सेशन लेने वाले हैं आप लोगों का, जो कि आपके लिए कंबाइंडली 18 मार्क्स का 18 क्वेश्चंस का सब्जेक्ट हो जाता है, विच इज अराउंड 36 मार्क्स, है ना. तो 36 मार्क्स का आपका हो जाएगा, उसमें हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन लेंगे. दैट सेशन विल कम आई थिंक ऑन मंडे, विल टेक दैट सेशन. सो ऑन दैट सेशन वी आर गोइंग टू टेक इट. ओके नाउ
नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट द मटेरियल्स, है ना, ट्रैफिक के क्वेश्चन भी हम लेंगे. द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन कैन बी डिटरमाइंड बाई यूजिंग. अब देखिए यहाँ पे बिटुमिन के टेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑल्सो, और बार बार मैंने आपको ये चीज बता रखी है कि सॉफ्टनिंग पॉइंट से रिलेटेड और बिटुमिन के जितने टेस्ट हैं वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बन रहे होते, उन्हें जरूर सॉल्व करिएगा. मटेरियल्स पे और डिज़ाइन पे मेंस में फोकस काफ़ी ज़्यादा होता है. ओके, सो यहाँ पे अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ. तो मुझे इसका आंसर बताइए आप लोग इन द कमेंट बॉक्स. द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन कैन बी डिटरमाइंड बाई यूजिंग. विस्कोमीटर से बिल्कुल नहीं करते, पेनेट्रोमीटर ब्रिकेट मॉल से नहीं करते, रिंग एंड बॉल एपरेटस इसके लिए यूज किया जाता है. सो रिमेंबर दैट पॉइंट, रिंग एंड बॉल एपरेटस. ओके, सो बी जो आप लोगों ने आंसर बताया बिल्कुल करेक्ट है. CE 349 अजय, बिल्कुल सही आपने इसका आंसर बता रखा है. चलिए नेक्स्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टेस्ट कंडक्टेड ऑन बिटुमिन यूजिंग पेंस्की मार्टिन क्लोज्ड एपरेटस, है ना. देखिए पेंस्की मार्टिन के बारे में बात कर रहा है, तो देखिए पेंस्की मार्टिन टेस्ट जो होता है बेसिकली उसको हम एक टेस्ट कहते हैं जिसमें आप फ्लैश एंड फायर पॉइंट निकाल रहे होते हैं बिटुमिन का. तो फ्लैश एंड फायर पॉइंट निकालने में एक फ्लैश पॉइंट होता है और एक फायर पॉइंट होता है. फ्लैश पॉइंट कहने का मतलब ये है कि जैसे आप बिटुमिन को हीट दे रहे होते हैं तो आप ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहां पे जाके ये हीटअप कर जाएगा, है ना. क्योंकि हमें ऐसी बहुत सारी जगह में रोड का कंस्ट्रक्शन करना होता है जहां पर क्या है कि काफी हाई टेम्परेचर होता है, तो वहां पे हमें ये काफी ज्यादा जरूरी है. तो बेसिकली हम इससे फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट ही होता है पेंस्की मार्टिन. सो देयर अ मोमेंट कम व्हेन अ बिटुमिन में थोड़ी सी देर के लिए स्पार्कलिंग हो जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि फ्लैश पॉइंट आ गया, बट वो एक्चुअल में फ्लैश पॉइंट होता नहीं है. वो एक्चुअल में एक फॉर अ मोमेंटरीली फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए उसमें स्पार्कलिंग हमें देखने को मिलती है, तो उसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं. और एक टाइम ऐसा आता है जब अराउंड 5 सेकेंड्स के लिए बिटुमिन में हमें क्या है फायर दिखने लग जाती है. सो दैट इज द पॉइंट वी से फायर पॉइंट, है ना. तो दैट्स व्हाई दैट टेस्ट हैज बीन नेम्ड एज फ्लैश एंड फायर पॉइंट. ओके, सो ऑप्शन में जो आप लोगों ने आंसर बताया बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्लैश एंड फायर पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो CBR मेथड के बारे में आ गया. CBR अगेन आई हैव टोल्ड यू इन द मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन स्टेट्स एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है CBR मेथड, बहुत अच्छे से करिएगा. ठीक है, देखिए CBR मेथड आपको पता है जो कि सॉइल के सबग्रेड पे हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, है ना. तो यहाँ पे पूछा गया है मेजर ऑफ सॉइल स्ट्रेंथ, मेथड ऑफ सॉइल आइडेंटिफिकेशन. सॉइल आइडेंटिफिकेशन की मेथड तो बिल्कुल नहीं होती. मेजर टू इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ पेमेंट मटेरियल. ठीक है, अब देखिए यहां पर एक इन्होंने ऑप्शन दे रखा है और ये ऑप्शन है दैट इज मेजर टू इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ पेविंग मटेरियल. मेजर ऑफ शेयर स्ट्रेंथ, ऑफ शेयर स्ट्रेंथ का मेजर ये नहीं होता. ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर क्या होना चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सब लोग. देन आई एम गोइंग टू टेक द आंसर ऑफ दिस. टेल मी वंस इन द कमेंट बॉक्स क्या आंसर होना चाहिए इसके केस में. 33 क्वेश्चन के लिए क्या आंसर होना चाहिए. देखिए बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, 33 का आंसर हो जाएगा दैट इज सी हियर, है ना. हम इससे क्या करते हैं, इट इज मेजर टू इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ पेविंग मटेरियल. ठीक है, पेविंग मटेरियल की रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है ये इसके लिए एक एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, तो सी विल बी आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड ऑफ अ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन गिव्स अस आइडिया अबाउट. CBR हमें किस चीज के बारे में आइडिया देता है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल, All three mentioned here, the quality of molding material, the traffic intensity. Traffic intensity का बिल्कुल नहीं देता, quality of molding material तो दे देता है हमें. All of the three mention ऐसे ही नहीं हुआ क्योंकि D already cancel हो गया. और characteristics of soil के बारे में नहीं बताता है. Characteristic of soil देखिए बहुत अलग चीज़ हो जाती है. Characteristic of soil कहने का मतलब ये कि आप उसकी plasticity वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, आप उसकी voids के बारे में, porosity के बारे में बात कर रहे हैं, है ना. तो ये सब इसके केस में हो जाएगा. So that will not be the answer in this case. So characteristics of soil जो है वो इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं बताएगा, ये भी बिल्कुल नहीं बताएगा. तो ये क्या हो जाएगा, द क्वालिटी ऑफ रोड मोल्डिंग मटेरियल. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 34 आंसर विल बी सी. नेक्स्ट इज कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड ऑफ डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट इज मोर एक्यूरेट एज इट इन्वॉल्व्स, है ना. तो देखिए अगेन देखिए
क्वेश्चन सीबीआर पे हैं अलग अलग तरीके से, बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं देखिए सीबीआर मेथड पे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से आपको घुमाते रहते हैं वो चीज़ों में, ठीक है। मेथड वही है, टेस्ट प्रोसीजर वही है, लेकिन इसमें पॉइंट्स को आपको कवर करना है। ओके, सो सी हियर, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड ऑफ डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट इज मोर एक्यूरेट एज इट इन्वॉल्व कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, ट्रैफिक डेंसिटी बिल्कुल नहीं, स्पेसिफिकेशंस ऑफ अ रोड मेकिंग मटेरियल। देखिए सेम क्वेश्चन को इन्होंने लैंग्वेज जो है वो अलग तरीके से डिफाइन करके दे दिया, ये अभी हमने बताया था, और नन ऑफ दीज तो है ही नहीं क्योंकि सी इसका आंसर है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ सी बी आर करस्पॉन्डिंग टू 2.5 mm पेनेट्रेशन इज लोअर देन 5 mm पेनेट्रेशन तब क्या होगा। अब देखो जब भी कभी हम CBR परफॉर्म करते हैं, है ना, CBR टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं तो CBR टेस्ट का एक क्लॉज होता है और उसमें ये कहा जाता है कि द पेनेट्रेशन एज 2.5 mm शुड बी रिकॉर्डेड एंड द CBR वैल्यू ऑफ 2.5 mm शुड बी अडॉप्टेड। ओके, CBR एक तरीके का रेशियो है आपके पास, CBR 2.5 mm शुड बी अडॉप्टेड, एट द सेम टाइम वी हैव टू डिटरमाइन द CBR 5 mm ऑल्सो, वेन वी आर डिटरमाइनिंग द CBR 5 mm एंड 2.5 mm देन CBR 2.5 mm टू बी अडॉप्टेड, बट समटाइम्स वॉट हैपन्स दैट CBR 5 mm इज ग्रेटर देन 2.5 mm, सो इन दैट केस टेस्ट हैज टू बी रिपीटेड, टेस्ट आपको रिपीट करना है फॉर 3 times अगेन, देन वेन अगेन यू आर गेटिंग द CBR 5 mm ग्रेटर देन CBR 2.5 mm, देन इट विल बी CBR 5 mm विच विल बी अडॉप्टेड, बट द प्रोविजन इज दैट CBR 2.5 आप अडॉप्ट करिए, लेकिन यदि नहीं आ रहा है तो CBR 5 mm भी अडॉप्ट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि CBR करस्पॉन्डिंग टू 2.5 mm पेनेट्रेशन इज ग्रेटर देन लोअर देन, है ना, की पॉइंट इज लोअर देन एट 5 mm पेनेट्रेशन, तो इसके केस में क्या करना है, CBR करस्पॉन्डिंग टू 2.5 mm पेनेट्रेशन इज अडॉप्टेड, ऐसा नहीं होता है CBR करस्पॉन्डिंग टू 5 mm पेनेट्रेशन, देखिए डायरेक्ट अडॉप्ट नहीं करेंगे, टेस्ट को रिपीट करेंगे फिर अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, टेस्ट इज रिपीटेड बिल्कुल, टेस्ट डिस्कार्ड नहीं किया जाता है, तो ये ऑप्शन थोड़े से एक्यूरेट नहीं है, ऑल दो 5 mm पेनेट्रेशन की वैल्यू अडॉप्ट की जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बट वो रिपीट करने के बाद भी यदि आपको देखने मिल जाए, है ना, तब हम इस टेस्ट को जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। ओके, तो आंसर इसके केस में हो जाएगा हमारा, दैट विल बी सी विल बी आंसर, टेस्ट इज रिपीटेड। ओके, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया कमेंट बॉक्स में। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वाटर बॉन्ड मैकाडम, है ना, वाटर बॉन्ड मैकाडम WBM रोड्स के बारे में है, वाटर बॉन्ड मैकाडम डिराइव्स स्टेबिलिटी प्राइमरीली फ्रॉम, देखिए वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड्स जो होती हैं आपको पता है एग्रीगेट इंटरलॉकिंग, पार्टिकल फ्रिक्शन और कोहेजन, इस पे इनके स्ट्रेंथ डिपेंड करे, जैसे अर्दन डैम्स की हम बात करते हैं तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी डैम किस पे डिपेंड करते हैं, वेट ऑफ द डैम, वेट ऑफ द डैम से वो लोड को रेजिस्ट कर रहा होता है, अर्दन डैम किससे करेगा, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल से करेगा, वैसे ही आपकी वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड्स होती है, मैकाडम जॉन मैकाडम ने इसका इसके बारे में बता रखा था, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड दैट देर इज नो नीड टू प्रोवाइड द वेरी गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल एट द बॉटम, आप सॉइल को यूज स्ट्रेंथ के हिसाब से प्रिपेयर करिए, एंड जॉन मैकाडम्स इंस्पिरेशन इज द टुडेज रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो वाटर बॉन्ड मैकाडम डिराइव्स स्टेबिलिटी प्राइमरीली फ्रॉम, तो इसका आंसर देखिए याद रखिएगा एग्रीगेट इंटरलॉकिंग, पार्टिकल फ्रिक्शन एंड कोहेजन से करता है, द बाइंडिंग पावर ऑफ बिटुमिनस मटेरियल बिल्कुल नहीं, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ सरफेस कोर्स बिल्कुल नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर, तो आंसर हो जाएगा जैसा कि आप लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में बताया, आंसर विल बी ए इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक, इन फ्लेक्सिबल पेमेंट द डिफरेंट materials with CBR values are available as follows 80%, 16, 15 and 4, indicate the order top to bottom in which the material are to be placed for making a good payment, तो देखो एक चीज यहां पे याद रखिएगा CBR की वैल्यू को लेकर के यदि कभी भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के एग्जाम में तो CBR की वैल्यू के केस में आप ये चीज याद रखेंगे दैट CBR जैसे जैसे आपका यहाँ पे क्या कहा टॉप टू बॉटम जितना ज्यादा CBR होगा उतना ज्यादा बेटर होगा तो ये सी इसके केस में आंसर होगा तो ऑर्डर याद रखो 80, 60, 15, 4 ओके तो यदि जो भी वैल्यू के वेरिएशन आपको देखने को मिले उस हिसाब से सी विल बी आंसर इन दिस केस सो आंसर विल बी सी बिल्कुल सही आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी बताया चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक बिटुमिन ऑफ ग्रेड 100-120 मीन्स देखो बिटुमिन क्या होता है बिटुमिन के ग्रेड को डिफाइन किया जाता है 100/120 60/70 30/40 इस तरीके से और यदि बिटुमिन का ग्रेड है 30/40 तो इसका मतलब होता है कि पेनेट्रेशन इज 3-4 mm
ओके okay, मतलब जो आप 100 ग्राम का एक यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं, ठीक है, 100 ग्राम का एक लोड यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से बिटुमिन मटेरियल में, तो यहाँ पर ये क्या होता है कि इस तरीके से जब ये लोड एप्लीकेशन हो तो पेनेट्रेशन देखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बिटुमिन ग्रेड 100 टू 120 मीन्स देर इज अ पेनेट्रेशन ऑफ 10 to 12 mm, ठीक है, तो सी इसके केस में आंसर हो जाएगा। तो इसे बिल्कुल याद रखिएगा, बिटुमिन क्या होता है, बिटुमिन का ग्रेड डिफाइन करते हैं, ग्रेड मतलब क्वालिटी एक तरीके से कि हाँ ये क्वालिटी का है, आप इसको एयरपोर्ट में यूज़ कर लो, आप इसको रोड के कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लो, ठीक है, इसे विलेज रोड में यूज़ कर लो, ऐसा कहने का मतलब ये। बिल्कुल सही आपने आंसर बताया इस क्वेश्चन का, सी इज द आंसर, करेक्ट इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनेट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन इज यूज फॉर द डिटरमाइनिंग इट्स। देखिए पेनेट्रेशन टेस्ट किसके लिए डिटरमाइन करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ग्रेड के लिए होता है, डक्टिलिटी के लिए नहीं होता है, डक्टिलिटी के लिए आप डक्टिलिटी टेस्ट करते हैं, है ना, ब्रिकेट जो है पुल करते हैं, 75 cm 50 cm वगैरह वैल्यू आती है, विस्कोसिटी के लिए अलग टेस्ट है, आपके फ्लो टेस्ट वगैरह होता है, है ना, फिर आपके पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए पिक्नोमीटर हम यूज करते हैं, सो इट इज नॉट द आंसर, बी विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टफनेस प्रॉपर्टी ऑफ एन एग्रीगेट कैन बी टेस्टेड बाई अडॉप्टिंग, है ना, अब देखो इसका आंसर आप मुझे बताइए, एग्रीगेट आ गया, हाईवे मटेरियल की बात करते हैं तो हाईवे मटेरियल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एग्रीगेट, तो यहां से यदि हम देखें तो दे आर टॉकिंग अबाउट द टफनेस प्रॉपर्टी, है ना, तो टफनेस किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, तो याद रखना इंपैक्ट के बारे में बताता है, लॉस एंजल्स एब्रेशन के लिए होता है और क्रशिंग के लिए भी हम टेस्ट यूज करते हैं, एंगुलैरिटी नंबर वगैरह इन सब की वैल्यूज बिटुमिन में एग्रीगेट में यूज की जाती है, बट इसका आंसर हो जाएगा बी इसके केस में, जिसमें हम इंपैक्ट टेस्ट यहां पे कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट इज बेस्ड ऑन, तो देखिए ग्रुप इंडेक्स मेथड आपको पता है कि ग्रुप इंडेक्स मेथड आपके पास होती है जिसमें ए बी सी डी ये आपके पास चार कोएफिशिएंट होते हैं। यहाँ पे ग्रुप इंडेक्स मेथड में हम क्या करते हैं, ये बेसिकली लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इनके एनालिसिस पे एज वेल एज ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होती है, जो सीव एनालिसिस करते हैं ना हम सॉइल में, उस पे बेस्ड ये मेथड होती है। तो इसके केस में हम क्या करते हैं कि जब भी आप ग्रुप इंडेक्स मेथड का यूज कर रहे होते हैं तो यहाँ पे 75 माइक्रोन सीव से पासिंग वाले मटेरियल और उनके हिसाब से स्ट्रेंथ फाइंड की जाती है ना, जीआई मेथड जिसे हम कहते हैं, लेकिन ये मेथड फील्ड में आजकल हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि क्या है ये जो मेथड होती है ये हमें बिटुमिन ये हमें हाईवे मटेरियल के बारे में सिर्फ उसके साइज के बेसिस पे इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है, हो सकता है कि सेम पार्टिकल्स हों, ठीक है, दो पार्टिकल हैं उनके साइज सेम है, लेकिन साइज सेम है इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेंथ उनकी सेम आए, स्ट्रेंथ तो डिफरेंट हो सकती है, पर ये साइज के बेसिस में बता रही है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक होता है, इसलिए इसको इतना यूज नहीं करते हैं, बट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू रिमेंबर इट, डिजाइनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए यूज करते हैं, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स बिल्कुल यूज होता है, परसेंटेज ऑफ फाइंस यूज होता है, सीबीआर वैल्यू नहीं, शेयर स्ट्रेंथ नहीं, 1 and 4 विल बी ऑप्शन हियर एंड सी विल बी आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही आप लोग आंसर बता रहे, बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा है, मेंस के एग्जाम में देखिए हाईवे मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सो इसे अच्छे से सॉल्व करिएगा, बाकी मैंने आपको बताया ट्रैफिक के क्वेश्चंस हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकल लोड पोजीशनिंग इन रिजिड पेमेंट डिजाइन इज टेकन एज, देखो क्रिटिकल लोड पोजीशनिंग हम करते हैं रिजिड पेमेंट के केस में, तो एक कॉर्नर लोडिंग होती है, इंटीरियर लोडिंग होती है, एज लोडिंग होती है ना, तो ये तीन पॉइंट्स होते हैं जहां पे आप इनको डिटरमाइन कर रहे होते हो, ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ इंटीरियर लोडिंग बिल्कुल सही है, एज लोडिंग बिल्कुल सही है, कॉर्नर लोडिंग सही है, ए बी सी भी सही है और डी भी सही है ना, व्हाट अ ऑप्शन यार, व्हाट अ क्वेश्चन, चारों के चारों ऑप्शन सही है फिर भी आंसर एक ही है, क्या बात है, ऐसा भी हो जाता है एग्जाम में, है ना, तो चारों सही है यहाँ पे, ठीक है, बट एक एज अ सिंगल कोई ऑप्शन सही नहीं है, यदि वो तीनों कंबाइन होते हैं तब वो सही होते हैं ना, तो आंसर आपका इसके केस में डी ही होगा, ए बी सी नहीं होंगे, क्योंकि इंडिविजुअली दे आर नॉट करेक्ट, दे आर करेक्ट व्हेन दे आर टुगेदर, ओके, तो ये चीज याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ स्ट्रेसेस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस इन सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट ड्यूरिंग द समर, देखो यहाँ पे क्या है, ये जो पेमेंट होते हैं है ना, तो इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, लोड स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस, ठीक है, और फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, यदि ये कॉम्बिनेशन आपका देखने को मिलेगा तो ये हम कब करते हैं, समर के टाइम पे करते हैं, ठीक है, सो 44 क्वेश्चन के हिसाब से इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा, यदि लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस की बजाय आप बात करोगे तो ये कब होता है, ये होता है आपका
मिड नाइट होता है या मिड डे होता है बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, मिड नाइट होता है या मिड डे होता है? मिड नाइट होता है, बिल्कुल सही आपने बताया, मिड नाइट होता है ये। मिड नाइट के केस में करते हैं लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस, ये समर का होता है। फिर आपका लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस प्लस फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ये कब होता है आपका? विंटर के सीजन में होता है। विंटर के सीजन में सारे पॉजिटिव, विंटर में पॉजिटिव, विंटर में पॉजिटिव क्यों? क्योंकि विंटर में आपको ज्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं, सब पॉजिटिव पॉजिटिव आप ले रहे होते हो, ठीक है। और गर्मी में यू हैव टू रिमूव योर क्लॉथ, ठीक है, तो विंटर में सारा पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा आप याद रख सकते हो। तो विंटर में सारे पॉजिटिव, फ्रिक्शनल वार्पिंग लोड स्ट्रेसेस, और मिड डे मिड नाइट में भी पॉजिटिव, ठीक है, मिड नाइट में भी आपका लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग, दो ही के लिए आप टेस्ट करोगे, फ्रिक्शनल को नहीं देखते हम वहां पे, ओके। सो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, द डॉवेल बार्स आर प्रोवाइडेड है, डॉवेल बार कहां पे प्रोवाइड की जाती है? देखिए, रिजिड पेमेंट का कंस्ट्रक्शन कैसे, रिजिड पेमेंट का कंस्ट्रक्शन स्लैब के फॉर्म में, यहां पर कौन कौन से जॉइंट होते हैं? एक्सपांशन जॉइंट, कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट एंड ट्रांसवर्स जॉइंट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। तो ट्रांसवर्स जॉइंट ही आपका क्या है? एक्सपांशन जॉइंट बेसिकली, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है आपके पास, आपके पास एक्सपांशन जॉइंट है, कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट है, इस तरीके के जॉइंट इसमें हम प्रोवाइड करते हैं। तो डॉवेल बार जो होती हैं वो इन पोजिशन पे हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये होती हैं आपकी डॉवेल बार्स, ठीक है, डॉवेल बार्स यहाँ प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे होती टाई बार्स, ठीक है। सो एक्सपांशन जॉइंट और कंट्रेक्शन जॉइंट दोनों में प्रोवाइड करते हैं। द मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन द एक्सपांशन जॉइंट इज केप्ट एज 140 meters, मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन, ठीक है। तो इसके हिसाब से ए एंड बी बोथ विल बी आंसर फॉर इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर ऑल इंपॉर्टेंट इंडियन हाईवेज फ्लेक्सिबल पेमेंट आर डिजाइन फॉर अ लाइफ ऑफ वाई ईयर्स इज, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का, तो यहाँ पे क्या है कि प्रीवियस कोड को लेकर के चीज़ें पूछी गई हैं, इसलिए 15 इसका आंसर हो जाएगा, बाकी न्यू कोड अभी भी बोलता है कि 30 ईयर्स के लिए आप इसके डिज़ाइन वगैरह जो है कर सकते हो, ठीक है, तो प्रीवियस कोड के हिसाब से आप इसकी 30 ईयर के लिए कर सक 15 ईयर के लिए करते हैं, अब 30 ईयर के करते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बॉटम मोस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ अ फ्लेक्सिबल पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट का कंस्ट्रक्शन चार लेयर में, पुराने कोड के हिसाब से, नए कोड के हिसाब से 3 layer, यहाँ पे होता है आपका वियरिंग कोर्स, यहाँ पे होता है आपका बेस कोर्स, यहाँ पे होता है आपका सब बेस कोर्स, और यहाँ पे होता है सब ग्रेड, ठीक है, सब ग्रेड है ना, सब ग्रेड मतलब कुछ नहीं, आपकी सॉइल ही होती है बेसिकली। तो ये चार लेयर, 1, 2, 3, 4 layer, अब क्या है बेस कोर्स और सब बेस कोर्स मर्ज हो गए हैं, तो ये बेस कोर्स ही है, वियरिंग कोर्स है और सब ग्रेड है, ठीक है। तो बॉटम मोस्ट लेयर कौन सी होती है? बॉटम मोस्ट लेयर होती है आपकी सब ग्रेड होती है, ओके, सो सब ग्रेड विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन फॉर अ कॉन्क्रीट पेमेंट इज जनरली डिटरमाइंड बाई द टेस्ट विद इन विद द हेल्प ऑफ, ओके, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन की बात की जा रही है ना, तो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन कैसे फाइंड किया जाता है? बैंकलमैन बीम से करते हैं क्या? नहीं करते। बैंकलमैन बीम से क्या करते हो? ओवरले डिजाइन करते हो फ्लेक्सिबल पेमेंट का। प्लेट बियरिंग इक्विपमेंट बिल्कुल यूज होता है सबग्रेड के लिए। कंप्रेशन मशीन एंड मार्शल टेस्ट हेड इक्विपमेंट नहीं, ये यूज नहीं होता, मार्शल टेस्ट अलग है, स्टेबिलिटी एनालिसिस में आता है वो। सीबीआर मशीन नहीं, सीबीआर मशीन सीबीआर टेस्ट के लिए यूज होती है। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के लिए जो के होता है ना, के मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन जिसकी हम बात करते हैं, फ्लेक्सिबल प्लेट के लिए आप फॉर्मूला फाइंड करोगे है ना, रिजिड प्लेट के लिए करोगे, तो वहां पे एक टर्म आती है के, दैट इज मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन का टेस्ट जो प्लेट बियरिंग टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे स्टैंडर्ड प्लेट्स कौन सी 75 centimeter डाया नहीं अवेलेबल है, तो सेट ऑफ प्लेट्स यूज जैसे की जाती 30 centimeter 75 है, ठीक है, तो उनमें फिर 75 में उसको लाके कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपके सारे फिर कोएफिशिएंट और फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल होते हैं, सो दैट द वे टू डूइंग इट, एंड द आंसर फॉर दिस विल बी प्लेट बियरिंग इक्विपमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉवेल बार्स इन कॉन्क्रीट पेमेंट आर प्लेस्ड अलॉन्ग, देखिए डॉवेल बार अभी हमने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, डॉवेल बार कहाँ पे होती है? डॉवेल बार ये होती है, ट्रैफिक किस डायरेक्शन में जा रहा है? यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे यदि हम देखते हैं, सो डॉवेल बार्स इन कॉन्क्रीट पेमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक 45 degree, बिल्कुल नहीं,
परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक बिल्कुल नहीं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक इस तरीके से आपके स्लैब्स रखे हुए हैं, यहाँ पर ये है आपके स्लैब है, ठीक है, और यहाँ पे आपने लगा रखा है, क्या लगा रखा है, यहाँ पे आपने लगा रखे हैं अपनी डॉवेल बार्स, और डॉवेल बार्स आपने लगा रखी हैं तो ये अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक है, ठीक है, तो सी इसके केस में आंसर होगा, कैन बी प्लेस्ड इन एनी डायरेक्शन, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, सो सी विल बी आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द पेमेंट डिजाइन बैंकलमैन बीम यूज्ड बैंकलमैन बीम मेथड, बेसिकली ये टीम हो गया यहाँ पे, है ना, बैंकलमैन बीम टीम इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. सो फॉर द पेमेंट डिजाइन बैंकलमैन बीम इज यूज फॉर बिटुमिनस कॉन्क्रीट मिक्स के लिए नहीं होता, मार्शल वगैरह यूज किए जाते हैं, ओवरले डिजाइन के लिए होता है, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, ग्रेडेशन ऑफ एसफॉल्ट डिजाइन के लिए नहीं होता है, ग्रेडेशन ऑफ एसफॉल्ट डिजाइन के लिए हम दूसरी मेथड यूज करते हैं, और डिटर्मिनेशन ऑफ सॉफ्टनिंग पॉइंट, सॉफ्टनिंग पॉइंट अलग चीज है, बिटुमिन के लिए टेस्ट होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, बी इसके केस में आपका आंसर हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिकनेस ऑफ पेमेंट मे बी रिड्यूस कंसिडरेबली बाई, अब देखिए थिकनेस ऑफ पेमेंट है ना, पेमेंट की थिकनेस आपको रिड्यूस करनी है और एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी चाहिए आपको, है ना, तो थिकनेस ऑफ पेमेंट रिड्यूस हो जाए और अच्छी क्वालिटी भी आपको मिल जाए, तो ये कैसे मिल पाएगा बताइए मुझे, चलिए कमेंट बॉक्स में टेल मी द आंसर ऑफ दिस इन कमेंट बॉक्स, क्या होगा इसका आंसर, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द अबव होता है बेसिकली, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, ड्रेनेज ऑफ सॉइल, सभी से हम इसको यूज कर लेते हैं. ओके, सो That is all for today's session. ये आपका session यहाँ पे होता है जिसमें हमने geometric design, highway design या payment design जिसे हम कहें, geometric design, payment design और highway materials, ये topic हमने questions यहाँ पे ले रखे हैं आज, और traffic engineering के question जो है हमें लेने हैं. Next session आपके लिए आने वाला है, bridge और tunnel का session आएगा, open channel flow भी उसमें हम discuss कर लेंगे, जो कि आपके mains के examination का एक बहुत ही important topic है. तो मुझे comment box में बताइए कैसा लगा आप लोगों को session, और ट्रैफिक इंजीनियरिंग के टॉपिक हम क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ब्रिज और टनल भी हम देखेंगे, उनका रिवीजन करेंगे, 36 मार्क का आपके पास टॉपिक है, OCF को भी यदि आप इंक्लूड कर देते हो तो 4 क्वेश्चंस भी मान लीजिए OCF से, तो आपका 44 मार्क्स हो गए, और उसके बाद ट्रैफिक से यदि 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो अराउंड 50 मार्क्स का डिस्कशन आपका जो है हम रैपिड फायर मंडे को लाएंगे. कल आप लोग का माढ़ा का एग्जाम है, तो माढ़ा के एग्जाम के लिए आप अपेयर करिए, जाइए दीजिए एग्जाम, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर योर एग्जामिनेशन, सेलेक्शन हो ना हो डोंट टेक टेंशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जस्ट गो एंड गिव योर बेस्ट. ओके, जस्ट गो एंड गिव योर बेस्ट, अपना बेस्ट परफॉर्म करिए वहां पे, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है. सो प्रिपेयर, प्रिपरेशन जितनी हो चुकी है हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है, आपने सारी मैराथन अटेंड कर ली, RCC मैराथन हो गई, सॉइल मैराथन हो गई है, स्टील स्ट्रक्चर भी हो गया है आपका, बहुत उसमें भी हमने कवरेज कवर की हुई थी, और इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चिल करिए, जाके कल एग्जाम अपीयर करिए, अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है, जो भी होगा फिर देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं अभी आपके पास, एंड आई नो दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म वेल, आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों का आंसर कर रहे हो, स्टील स्ट्रक्चर में भी आपने बहुत कॉपरेट अच्छे से आंसर किया था, हाइड्रोलॉजी में भी किया था आप लोगों ने, हाइड्रोलॉजी का सेशन भी हमने लाया था, हाइड्रोलॉजी हालांकि माडा के AE में है, JE में तो है नहीं, है ना, बाकी मेंस में तो है, मेंस में तो होने ही वाला है, मेंस के लिए भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, और आप इन वीडियोज को जरूर देखिएगा. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस सेशन, लेट मी टेक some of the comments if someone is saying something, bilkul thank you Santanu, Karan, okay, Ajay, okay, Asabari, okay, thank you mast, okay, thank you so much everyone, I am logging out for today's session, thank you so much, aap isi tarike se cooperate kariyega, aap log ke aur exams aayenge, aur bhi live sessions hum log aapke liye laate rahenge, infinity academy will be always with you for your preparation, and I am logging out this particular session, okay. Thank you.